कुछ दिन पहले ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बारे में बयान दिया था। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अतीक अहमद को अतीक जी कहकर संबोधित किया था। इसके बाद बीजेपी से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा तक ने तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया था। तेजस्वी ने अपने बयान में कहा था कि अपराध और अपराधी से हम लोगों को कोई सहानुभूति नहीं है। देश में कानून है, अपराध का खात्मा होना चाहिए। उसके लिए कानून और विधानसभा है और कोर्ट है जिसके जरिए होता है। हमने इस देश में देखा है कि प्रधानमंत्री के हथियारों का ट्रायल हुआ है और सजा मिली है। यूपी में जो हुआ अगर आप उसे देखेंगे तो ये अतीक जी का जनाजा नहीं बल्कि कानून का जनाजा निकला है। लेकिन जिस बयान पर बीजेपी ने इतनी हाय तौबा मचाई वैसा ही बयान उनके बिहार के टॉप लीडर दे गए हैं। आपको बता दें बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी कुछ ऐसा ही बयान दे गए। उन्होंने अपने एक बयान में माफिया और मारे गए बाहुबली अतीक अहमद को अतीक जी कहकर संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि देखिए अतीक अहमद जी की हत्या अपराधियों ने किया। अतीक अहमद जी दरअसल उन्होंने कहा मौका भी था और अतीक जी पर सियासत भी, लेकिन उम्मीद के उलट इसके बाद पहला हमला आरजेडी से नहीं बल्कि जेडीयू से हुआ। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने इस बयान को ट्वीट किया और लिखा कि अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी को जी कहकर संबोधित करने वाले कौन लोग हैं? जरा देख ले। दूसरों पर दोषारोपण बहुत आसान है, अब जरा खुद ही सफाई दे दीजिए सम्राट चौधरी जी। ये तो तय है कि इस बयान को देखकर बीजेपी ने बैठे बिठाए महागठबंधन को एक मुद्दा दे दिया है। खास तौर पर सम्राट चौधरी के लिए जेडीयू और आरजेडी के सियासी हमले से अपना बचाव करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि जिस जी नाम वाला सियासी हथियार लेकर बीजेपी आरजेडी पर हमलावर हुई अब वही तलवार उल्टे बीजेपी की तरफ घूम गई है।